आपसे अपडेट लेंगे। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार एक्टिव है और सुरक्षा में 800 महिला पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। 10 गुना अतिरिक्त फोर्स महाकुंभ में नजर आएंगे। प्रयागराज में बनाए जाएंगे 90 होर्डिंग एरिया और जीआरपी के 9 थाने बनाए जाएंगे। 7 पुलिस चौकी और 3 पुलिस लाइन भी बनेंगे। जीआरपी को अतिरिक्त 10,000 पुलिसकर्मी दिए जाएंगे। इसमें 800 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होंगी और आरपीएफ के भी 12,000 जवान तैनात किए जाएंगे। यानी कि महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के दृष्टि से हर एक जो तैयारी है वो पुख्ता की जा रही है। इस वक्त महाकुंभ 2025 को ऐतिहासिक बनाने के लिए और श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से इस वक्त योगी सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो और एक महीने का जो महाकुंभ चलता है, इस एक महीने के दौरान जो भी श्रद्धालु प्रयागराज आते हैं वो खुशी खुशी संगम नगरी आएं और महाकुंभ का लुत्फ उठाएं। इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है इस वक्त की जा रही हैं। और आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री के द्वारा ऐप और लोगो वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु प्रयागराज आना चाहते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हर एक डिटेल उन्हें मिल सके। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रवि का रुख करेंगे। रवि, महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हमने देखा है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, महाकुंभ को लेकर हर साल जो है, जब भी महाकुंभ का आयोजन होता है 5 साल में एक बार, तो तैयारियां जोरों पर होती हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ अलग नजर आएगा, क्या कुछ हाईटेक तकनीकी देखने को मिलेगी, उसकी जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि महाकुंभ जो होने वाला है उसको लेकर उसकी झलक है वो भी दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इसको लेकर मंथन कर रही है, चाहे पर्यटन विभाग हो या उसके अलावा तमाम सारे विभाग, चाहे परिवहन विभाग हो, सभी मिलकर लगातार एक के बाद एक बैठक करते रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक करते रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां हैं वो की जा रही। सुरक्षा व्यवस्था के भी चार जो इंतजाम रहेंगे इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा। अगर हम बात करें साल 2013 में जब कुंभ हुआ था, उस दौरान इलाहाबाद स्टेशन भगदड़ के दौरान करीब 42 लोगों की मौत की खबर आई थी, जिसके बाद इस पूरी घटना की पुनरावृत्ति ना, इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की जहां इंतजाम रहेंगे, कोई अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो कुंभ होने वाला है उसको लेकर आपको बता दें कि जीआरपी को करीब 800 महिला पुलिसकर्मी समेत करीब 10 गुना अधिक फोर्स है वो मिलेगी और प्रयागराज में बनाए जाएंगे। इसके लिए बकायदा 90 होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे और जीआरपी के 9 थाने भी बनाए जाएंगे, 7 पुलिस चौकी, उसके अलावा 3 पुलिस लाइन भी बनाई जाएगी निश्चित तौर पर। और आपको बता दें कि अब रेलवे स्टेशन पर भी अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि रेलवे और परिवहन के जरिए ही आवागमन है वो लोगों का होगा कुंभ में शामिल होने के लिए। तो ऐसे रवि, ये जानकारियां दर्शकों तक पहुंच चुकी है, क्या कुछ हाईटेक होगा आप वो बताएं जरा दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दें करीब 10,000 पुलिसकर्मी है वो रहने वाले हैं, सिविल पुलिस के अतिरिक्त करीब 10,000 पुलिसकर्मी है वो उनके साथ रहेंगे, करीब 800 महिला पुलिसकर्मियों भी शामिल है। उसके अलावा सीआरपीएफ के करीब 12,000 जवान तैनात किए जाएंगे, पूरी हाईटेक व्यवस्था रहेगी, सोशल मीडिया पे पूरी नजर बनाई रहेगी, ड्रोन के जरिए बकायदा नजर रखी जाएगी, जगह जगह पर पुलिस के लोग रहेंगे। यानी कि अगर किसी प्रकार की व्यवस्था होती है तो उसको लेकर पहले से इस पर ध्यान रखा जाए। जो पूरी तौर पे अगर हम बात करें तो जो भी जरूरी इंतजाम है, भीड़ को देखते हुए किस तरीके से कतारों के साथ लोग अपने स्थान पर पहुंचे और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए और जगह जगह पर जो पुलिस के अधिकारी कैंप करेंगे, तो निश्चित तौर पर पूरी हाईटेक व्यवस्थाओं के साथ में पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और निश्चित तौर पर जो इस बार का जो कुंभ का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर जहां सरकार पूरी तौर पर लगातार समीक्षा बैठक कर रही, वही पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी आएगी। सुरक्षा व्यवस्था के सभी जो इंतजाम है, जरूरी इंतजाम है, वो सभी किए जाएंगे, सोशल मीडिया पे बाकायदा पूरी संदेश दिए जाएंगे लोगों को किस तरीके से और बेहतर व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। और 24 घंटे पुलिस की नजर रहेगी इस पूरे कुंभ को लेकर, ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था है वो ना होने पाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए